Good morning! रेडियो सिटी 91.1 FM से मैं हूँ आरजे बरखा और मेरी आवाज के बाद जिनकी आवाज आप सुनने वाले हैं वो लोग वाह यार क्या बात है। और स्पेशली मैं आज के इस दिन को थैंक यू कहना चाहूंगी कि जिनसे मैं मुलाकात आपकी कराने वाली हूँ या जिनसे मेरी मुलाकात हो रही है, मेरे विश लिस्ट में थे कि मैं इनसे कब मिलूं, कब धप्पा मारूं, कब बात करूं। सो हमारे सुपर फेवरेट क्रांति प्रकाश झा जी हमारे साथ। तो सर अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरीके से आपने डायलॉग्स दिए हैं, बट यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप अपनी भाषा में सबको हेलो हाय करें एंड सबको वेलकम करें। हेलो ऑल, नमस्कार, हमारा नाम क्रांति प्रकाश झा भेल, अहाँ सब हमरा सुन रहल छी रेडियो सिटी 91.1 FM आरजे बरखा के साथ मॉर्निंग शो पर। अरे अरे क्या बात है। सो ये घंटा बहुत स्पेशल रहने वाला है पटना, हमारे अपने बिहार के, हमारे पटना के क्रांति हमारे साथ हैं। और सीरियसली इनकी एक्टिंग की बात करूं, इनके अंदाज की बात करूं, सो कहीं पे भी ना पॉइंट्स काटने का मेरे को मौका नहीं मिलता। हाय, इस स्माइल पे बहुत सारी कुड़ियां फिदा है। रेडियो सिटी 91 यार मैंने बता दिया ना। सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM, रग रग में दौड़े बैठना। गुड मॉर्निंग, अब आपसे अगला सवाल हम करने वाले हैं, क्या चेंज आपने फील किया है और क्या चेंज और आप चाहते हैं, ठीक है? सो रेडी स्टडी एंड गो। हेलो जी, स्वागत है। रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं हूं बरखा आपके साथ और हमारा अपना लड़का, हमारा फेवरेट क्रांति प्रकाश झा जी हमारे साथ। सर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जब से आपने लाइक स्कूलिंग करी होगी, धीरे धीरे बढ़े हुए होंगे, तो आपने कुछ फील किया होगा कि अपना बिहार ऐसा है और अब आप एक मुकाम पे हैं, तो क्या चेंजेस आपने फील किया है पॉजिटिवली और क्या आपको लगता है कि और होना चाहिए? देखिए, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। तो चेंज तो कहते हैं परिवर्तन संसार का नियम है जी। तो चेंज तो होते ही रहना चाहिए, पर ये जरूर मैं कहूंगा बेहतरी के लिए होते रहना चाहिए। तो मैंने भी जब भी मैं घर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बहुत सारी चीजें यहाँ बदली हैं। मेरे घर के सामने 4 लेन अटल पथ बन चुका है। पहले शायद जहाँ से ट्रेन जाती थी, सही बात है, दोनों तरफ खटाल होते थे, यहाँ पे बहुत सारे सैकड़ों गाय भैंसे वहाँ बंधी रहती थी। और लेकिन ये चेंज अच्छा है, सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, बिजली हमेशा रहती है, आपको मूलभूत सुविधाओं में थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल उसमें प्रगति हुई है। लेकिन समस्या एक बात की जरूर है कि क्वेश्चन पेपर आज भी लीक होता है। तभी लीक होता था, इस बात का बड़ा दुख है क्योंकि ये छात्रों के साथ अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी इसके पीछे है मुझे नहीं पता, पर सुन के अच्छा नहीं लगा। दूसरी चीज के मुझे लगता है पहले शायद हमारे जमाने में, अब मैं अगर जमाना कह रहा हूँ तो ऐसा नहीं मैं 47 की बात कर रहा हूँ, सही बात है, सही बात है। मेरे जमाने में रियल जो है ना वो रियल ही होता था, रियल नहीं होता था। अच्छा, आज के जमाने में क्या है कि रील कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगा है कि वो रियल हो चुका है। अच्छा, तो जितने भी पटना के मेरे भाई बंधु सब सुन रहे हैं और खासकर जो युवा है वो अगर सुन रहे हैं, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि रील जो है वो रील है, रियल नहीं है। सही बात है। मैं रील में काम करता हूँ, मैं क्योंकि मेरा पैशन है, मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन वही है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक चेष्टा जरूर करता हूँ कि मैं एक संतुलन बना के चलूं बिटवीन रील एंड रियल। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। क्या बात है, बहुत ही शानदार सा एक मैसेज भी हो गया ये सारे यूथ के लिए कि रील और रियल में फर्क है और इस फर्क को मेंटेन रखना, बनाए रखना बेहद इंपॉर्टेंट है। और इतना सोना सा लड़का हमारे साथ है, हमारे अपने क्रांति प्रकाश झा जी, उससे बातें हो रही हैं। रेडियो सिटी 91.1 FM सुनते जाइए, मैं उबरखा आपके साथ, रग रग में दौड़े पटना। गुड मॉर्निंग, एक और लिंक लेंगे सर और आपकी लिखी लाइन इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे मैं कुछ कुछ देखती रहती हूँ तो अच्छा लगता है। एक तो मैंने बचा के रखा है अगले वीडियो के लिए। वेलकम बैक। रेडियो सिटी 91.1 FM पर मैं हूँ बरखा आपके साथ और हमारे साथ हैं क्रांति प्रकाश झा जी। सर आप बहुत अच्छी अच्छी लाइंस लिखते भी हैं, तो मैं चाहूंगी कि कुछ अपनी उन लिखी लाइनों में से कुछ एक लाइन जो सुनाना चाहें। बरखा मैम, मैं एक अच्छा जो भी मैं लिखता हूँ वो अपने जिंदगी के अनुभवों से लिखता हूँ। अच्छा, और जिसको मैं भी इम्प्लीमेंट करता हूँ,
तो कोई ज्ञान देने वाली बात नहीं, क्योंकि यहाँ सब बहुत ज्ञानी है, मुझे ज्ञान किसी को नहीं देना, लेकिन मैं अपने लिए भी अमल करता हूँ, इसलिए मैंने कुछ जिंदगी के ऊपर लिखा था। लिखा ऐसा था कि अच्छा जितने भी सुनने वाले हैं वो सब चाहें तो मेरे एक बात कहूं को आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर सुन सकते हैं जी, मेरे एफबी पे सुन सकते हैं, फेसबुक पे कुछ कुछ लिखता हूं, अपनी आवाज में कहता हूं, शायद आप लोगों को अच्छा लगे। तो उसी के सिलसिले में एक जिंदगी के ऊपर था, एक बात कहूं, जिंदगी में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि बस हो गया, जिंदगी में तुम्हें कई बार ऐसा लगेगा कि बस हो गया, लेकिन जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि बस हो गया, उस दिन से वो सब होगा जो उसके पहले कभी नहीं हुआ, तो बस लगे रहो। ओह क्या बात है, क्या बात है, और आगे भी कंटिन्यू करना चाहते हैं क्या? मतलब बस जी कह रहा है कि आप यूं ही बोलते रहें और मैं आपको सुनती रहूं। रेडियो सिटी 91.1 एफएम सुनते जाइए। थैंक यू सो वेरी मच सर। चलते चलते क्या मैसेज देना चाहेंगे? हालांकि एक बड़ा अच्छा रील और रियल का मैसेज आपने दे दिया, बट ये दिल मांगे थोड़ा और मोर। बी हेल्दी, बी हैप्पी, बाकी योग विल टेक केयर। दूसरी चीज ये है कि खासकर जो बिहार के लोग हैं, मैं उनसे इतनी अपील जरूर करना चाहूंगा कि हम लोग हमेशा एक प्राइड कह लें उसको, जो हमारा भी है, लेकिन उस प्राइड के चक्कर में आप आज का यथार्थ ना भूलें। रियलिटी है, महात्मा बुद्ध हुए थे, महावीर हुए थे, चाणक्य हुए थे, ये सब हुए थे, अभी नहीं है। ये फर्क हमें समझना पड़ेगा। आज भी हम अगर आप देखें तो जितने भी इंडेक्स आते हैं उसमें हमारा जो प्रदेश है वो शायद नीचे के पायदान पे मेरे ख्याल से नंबर अव्वल हो या उसके एक दो आसपास ही होगा। तो मेरी बस आप सबसे ही प्रार्थना है, विनती है कि अगर बिहारी आगे बढ़ता है तो कोशिश करें कि बिहार भी आगे बढ़े। सही बात है, क्या बात है, और हमेशा बढ़ने की गुंजाइश बनी रहती है, ग्रोथ को हमेशा दिमाग में रखे रहना चाहिए। लगा दोगे आपसे 10 बजे, सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM, रग रग में दौड़े पटना। गुड मॉर्निंग।